एक चीज फेंक दो। अरे मेरा दिमाग नहीं लगता कि बिना किराए के इसे तीन तीन महीने घर में रखूंगी। पहले महीने कहता था कि बंबई से पैसा आने वाला है और दूसरे महीने कहने लगा कि पैसा आया लेकिन चोरी हो गए। और कमबख्त अब बकता है कि मेरी नानी मर गई है। चोर, लफंगा, बेईमान, झूठा, तनख्वाह 100 रुपए और मकान चाहिए 200 रुपए महीने का है। ऊपर से डींगे लंबी लंबी मारता है कि चाचा मेरा लखपति है। अरे आधी बंबई का मालिक है, चाहे तो पूरी दिल्ली खरीद सकते। शर्म और लिहाज तो बेच के खा गया है मुआ। आईना घर में घुसे तो छावे मार के से बाहर निकाल दो। समझे मंगलू, अब के ऐसा किराएदार ढूंढ के लाना जो या तो जोरू वाला हो या एकदम साधु महात्मा। अरे किराया मांगने पर 4-4 दिन घर से गायब तो ना हो जाए करे। ये लपंगा तो ना जाने रात को कब आता है और सुबह कब गायब हो जाता है। सत्यानाशी श्री मदन गोपाल। मालिक मकान कब बचा? ये घर भी गया। चांद श्री मदन गोपाल, मेरे घर के बाहर ताला किसने लगाया? तुम्हारा भी जवाब नहीं। अब तुम 3-3 महीने का किराया ना दो, ऊपर से 2-2 महीने गायब रहो। मालिक मकान ताला नहीं लगाएगा तो तुम्हें शाबाशी देगा क्या? घर क्यों नहीं आया इतने दिन? 3-3 महीने का किराया ना दिया हो तो घर जूते खाने के लिए आऊं? ये बात तो फिर कहां रहे बरपुरदा? दूसरा मकान ले लिया था। बहुत अच्छे। और उसका किराया कहाँ से देते हो? नहीं देता। हा? नहीं देता तो फिर आज वहां से भी निकालेगा। अब क्या इरादा है? तीसरा मकान ढूंढ रहा हूँ। जवाब नहीं। 420। अरे हाँ यार, 2 महीने से तेरी डाक जमा हो रही है। अरे यार बिल होंगे और क्या होगा। ये रहा शादी का इनविटेशन, वकील का नोटिस, बिल। ये क्या है? मदन बेटे मनोहर लाल। नौ और 2 11। अमा क्या हुआ, क्या हुआ? 9 और 2 11। यार तेरा चाचा है ये? हाँ यार, लेकिन पागल मालूम होता है। 11 लाख की जायदाद मेरे नाम छोड़ के जा रहा है। दोस्त एक अच्छा सूट उधार देना अभी लो, मगर तेरे चाचा का भी जवाब नहीं। No, I am very sorry. I have no time. Can't you hear me? What warning, boss? No, get out. बिना इजाजत तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत किसने दी? और तुम्हें ये भी मालूम है कि इस कमरे में तमाकू पीना मना है? ये क्या? निकल जाओ यहाँ से। बॉस, तुम्हें नौकरी से छुट्टी। You are quiet. बॉस, oh my god. मिस्टर मदन गोपाल, हार्टी कांग्रेचुलेशन। मुझे कुछ उधार मिल सकता? क्यों नहीं? कितना? 1000-2000? इतना ही? एक पॉम पॉम खरीदना। श्योर, चपरासी, वेरी बड़ी नो ऑफिस। थैंक यू बॉस, थैंक यू। प्लीज मेक यूर सेल्फ एट होम। थैंक यू। Thank you.
जवाब नहीं। क्यों बे, ये खटारा कहां से मार लाया? खटारा तेरा सर। किसकी शादी हो रही है? आओ मिठाई का प्रोग्राम हो जाए। मिठाई चलो। कौन बदला नसीब फंसा है शादी के जाल में? उस नसीब को दो, बंबई का एक 420 होटल वाला है, न जाने क्या चक्कर चलाता है ससुरा, क्या जादू करता है, एक बड़े ही रईस की बेटी को फंसा है। आपकी फंसा है भाई? फंसाने वाले 420 तो होते ही हैं इस दुनिया में, लेकिन इन फंसने वाले बेवकूफों की भी कमी नहीं है। सुजीत साहब, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये क्या दिया है आपने? कुछ भी तो नहीं दिया। आप शादी कर रहे हैं या तमाशा? सोच लीजिए 5 मिनट, वरना बारात वापिस भी लौट सकती है। सुरजीत 50,000 रुपए और मांगता है। यार मैंने इस आदमी के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि लड़की वाले सुने तो शादी रोक दे। ये आदमी तो अच्छा मालूम नहीं होता। तो यूँ कहो कि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। भाई मैं होता तो भाग लेता। अब क्या करोगे रक्षा? अबे तू जा कहाँ रहा है? बम्बई। इस खटारे में? अबे हाँ इस खटारे में। अबे देख, तीसरी बार तूने मेरी मोटर को गाली दी तो खून हो जाएगा। जवाब नहीं। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी
हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए, दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए, एक कदम पे हंस लिए एक कदम पे रो लिए, एक कदम पे हंस लिए एक कदम पे रो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हमें पड़े हैं हम कब से आपकी कसम, राह में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम, देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हमसे कुछ न बोलिए। बूट सत श्री अकाल, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लेवर चोर, पुलिस पुलिस पुलिस, क्या नजाकत है। अच्छा पढ़ना नहीं है, भागता है। मास्टर, मैं बंबई का एक लखपति हूँ।
और ये तुम्हारा साला है। मैं बंबई जा रहा हूँ। इस खटारे में मुझे कुछ पेट्रोल चाहिए। फिर उधार और रास्ता ना पाए। देखो मैया, और बेटा मत खाओ, घड़ी खरीद लो और जाओ बाबूजी जाओ। देखो प्यारे, और जाना है कि तेरा एक बूथी पे। चोरी के उधार रहे प्यारे, देते रहना। ओ सोने बूथी वाले आओ, पाओ पेट्रोल। सब मुसीबतों की जड़ आओ। ये मत समझियो कि तैने मुझे रिश्वत दे दी है। तुझे पुलिस में देने से पहले पाई पाई चुका दूंगा, समझ गए? समझ गया यार। क्या मेरा तेरा याराना कब से हुआ बे? चोर कहीं का। जरा दम ले ले। यहां पानी कहां मिलेगा? चोर के हाथ का पानी हरगिज नहीं। चोर के हाथ का खाना भी नहीं खाओगे तुम? राम 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 राम। जरा फिर से पहला हूँ। ये मत समझिए कि तेरा नमक खा लिया है तो तुझे पुलिस में नहीं दूंगा। नहीं यार नहीं, और खाओ। देख बे, मेरा तेरा जराना अभी नहीं हुआ। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम। धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। क्या हुआ बे? बहुत थक गया हूँ, कहीं झपकी आ गई तो दे मारूंगा। मैं चलाऊं? तू ऐसा मत, पेट में दर्द हो जाएगा। अरे देख तो सही, आजा आजा इधर आजा। बड़ी नाजुक कमर है बे तेरी, कहाँ से मारी? अरे हट, चिलौंडिया से कही गई ये बात। वाह बेटा, वाह बेटा, तेताली। तेरा नाम क्या है बे? सरदार सिंह हाल सिंह। सरदार सिंह हाल सिंह।
मार दिया ना। मुझे पहले ही मालूम था, मरो रात भर यही। चोर डाकू लुटेरे सांप बिच्छू शेर चीते भालू हाथी बिल्ली चूहे काटो रात इन सबके साथ। कितना अंधेरा है। चांद खरीद लाऊं आपके लिए? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। शर्म नहीं आती चोर कहीं का? गाली क्यों लेता बे? तो क्या तुझे प्यार करूं? हाँ उतर उल्लू का पप पप उतर। मारा भी कहां जाकर, कहां गया? अबे मारा है तो जोर लगा के निकाल इसे। आप नवाब का बच्चा, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं कि मैं काम करूं और तू सैर करे। अबे हम मुसीबत की डर कहां गया है? इधर फूक कर। बहादुर कहीं का? अच्छा चुपचाप सो जा। कैसा सिख है रे? ना कड़ा ना कृपान। तुझे क्या? वाह बेटा, वैसे तू आदमी काम का है। अगर चोर ना होता तो मैं तुम्हें 10-15 रुपया महीने पर नौकर रख लेता। मैं तुम जैसे 50 को 500 रुपए महीने पर नौकर रख सकती हूँ? सकता हूँ। सकती हूँ सकता हूँ सकती हूँ सकता हूँ सकती हूँ सकता हूँ सकती हूँ सकता हूँ। राम 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 राम। क्या जमाना आ गया है, औरतें बस कंडक्टर भी बनने लगी हैं, सिपाही भी। और अरे बाप रे, खूबसूरत है। नमस्ते। और छुपने के लिए भी तुम्हें इसी शरीफ आदमी की पाम पाम मिली। अगर पकड़ी जाती तो बंदा बिठार सवालात में होता। और फिर मेरी ये नई नई मोटर खटारा। क्या कहा? खटारा। देखो मिस, अगर तीसरी बार तुमने मेरी मोटर को गाली दी तो निकाल बाहर फेंकूंगा। खटारा। समझते हो मैं चल नहीं सकती? कोशिश कीजिए, थक जाए तो लौट आइएगा। मेरी ड्यूटी। हम्म।
मेहरबा होगे ना तुम जहां वहां। मुझे भी लगी है। और नहीं तो क्या पुलाव और लो विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी और विटामिन जेड। ऐसा लगता है विटामिन जेड कुछ ज्यादा ही खा लिया है तुमने। कुछ और आए पानी मुझे आपने नौकर समझा है क्या? साथी बाद आया से साथी बहुत प्यास लगी है क्या?
बहुत। चलो देखते हैं, कुछ चूहा मिल गया तो ठीक है, वरना तुम्हारी किस्मत आप। पानी है? तुम भी सूंघ लो फिर चलें। क्या? देखो ना रस्सी है और ना बाल्टी। अगर आप समझती हैं कि मैं डुबकी मारूंगा तो सॉरी, आप बेशक शौक फरमा सकती हैं, लेकिन इस कुएं से एक सबक सीखो प्यारे बच्चों, और वो ये कि यहाँ प्यास है और यहाँ पानी, और दोनों एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं, लेकिन वाहरी किस्मत बाल्टी ही नहीं। काश मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए एक बाल्टी ही बन सकता। क्यों ना ये सुहानी रात यहीं काट दी जाए। कैसे ही? प्यास तो मुझे भी है, लेकिन पानी की नहीं। तो फिर किसकी? पाइप की? जी हाँ, पाइप की। अपनी ये राय है कि जिंदगी है एक मजेदार चीज। तुम्हारी क्या राय है? अरे चोर, thank you.
दो होंठ चूम के देखने में भोले हो पर वो बड़े चंचल आंचल में क्या जी अजब सी हलचल मिल जाए नैन से साथी बन जाए रास्ता कट जाए चैन से ओ झूमे लहराए नैना मिल जाए नैन से साथी बन जाए रास्ता कट जाए चैन से देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल आंचल में क्या जी अजब चंचल पहला बादल बादल में क्या जी किसी का आंचल आंचल में क्या जी अजब सी हलचल थाने नहीं ले चलोगी तुम हो कौन चोर हूँ जेट यही है तुम जानती हो एक चोर का साथ देकर मैं बहुत बड़ा जुर्म कर रहा हूँ किसने कहा करो ये भी खूब रही अच्छा यही सही मैं अपने दोस्त से मिला फिर चलते हैं थाने और तुम भाग मत जाना हाँ नारायक पाजी बेईमान अबे तू कहां से आ गए तुम्हें खबर नहीं मिली ऐसी खबर अबे तो जरा दूर हट के बात कर बंदा श्री मदन गोपाल लखपति अबे क्या बकता है अरे भले आदमी चाचा जी ने 11 लाख की जायदाद मेरे नाम कर दी है और मुझे फौरन बंबई आने को लिखा था और तू अब आया क्या मतलब तुझे अपने चाचा जी के बारे में कुछ मालूम है क्या तो क्या चाचा जी हाँ भगवान ऐसी मौत किसी को न दे ये कब हुआ तकरीबन 1.5 महीना हो गया 1.5 महीना लेकिन ये खत तो देखो जनवरी पूरे 2 महीने पुराना और उनकी जायदाद उनकी साली के बेटे कुलदीप के पास लेकिन वो तो पहली वसीयत थी तो क्या कोई दूसरी भी थी और नहीं तो क्या ये देखो मदन बेटे तुम्हें मालूम होगा कि मैंने अपनी सारी जायदाद
अपनी साली के बेटे कुलदीप के नाम कर दी थी, लेकिन उसकी कुछ हरकतें देखकर मेरा दिल बदल गया है। इसलिए मैंने एक नई वसीयत लिखी है जिससे सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो गई है। देखा, सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो गई। फौरन बंबई चले आओ मनोहर लाल। जायदाद 9 लाख की है और 2 लाख बैंक में है। 9 और 2, 11। मदन, इसमें कोई राज है जिसे खोलना होगा। असली वसीयत जरूर कहीं छुपा दी गई है। ये सब लोग हैं कहाँ? महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर? हाँ, आखिरी दिनों में वो चाचा जी को हवा बदलने के लिए महाबलेश्वर ले गए थे। उनकी जायदाद का बड़ा हिस्सा वहीं है। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो उनमें से मुझे कोई पहचानता तो है नहीं। सुनो, एक काम करो। लेकिन तुम तो शादीशुदा नहीं। बात क्या है? पिछले दिनों अखबार में एक इश्तहार दिया था कि उन्हें एक मैनेजर की जरूरत है जो उनकी सारी जायदाद संभाल सके, लेकिन वो शादीशुदा। ये क्यों? अरे वो खपती औरत है, उनका पिछला मैनेजर शायद उनकी नौकरानी को लेकर 9-2-11 हो गया था। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं। शादीशुदा? अबे चल झूठा के। सच? क्या बकता है तू? अगर तू शादीशुदा तो तेरी बीवी कहाँ है? नीचे। आए? अरे से नीचे को छोड़ा यार। नीचे ठीक है? नीचे कैसे ठीक है? भाभी देखे। अबे सुन, मैं मतलब मुझे नहीं तुम्हारे बैठूंगा यहाँ तक। वो बुरा मान जाएगी। बुरा तो वो मान गई होगी ना भाई। अबे चल मेरी बात सुन ना। अरे अरे सुन, रानी नमस्ते भाभी जी। ये आदमी बड़ा बदतमीज है। डार्लिंग, डार्लिंग, ओ तिनका। देखिए, शादी के बाद आप पहली बार मेरे घर पे आए और यूं जी? डार्लिंग, मुझसे बड़ी बदतमीजी हो गई। हाँ, समझ गई? समझ गई। ये आदमी लेकिन मेरी जान। क्या हुआ मेरी जान? लाल चींटी, लाल चींटी। नहीं बस मर गई। नहीं नहीं, अबे नहीं मरी। चींटी भी मर गई और नानी भी मर गई। अबे चिल्लाता क्यों है? चींटी है कोई चुड़ैल तो नहीं? चुड़ैल है, चुड़ैल। नहीं, चींटी है, चींटी। तू मर दे यार। ला मैं मर दूं। अबे कब हुई शादी? अभी अभी, हाल ही में। तो मुझे लिखा क्यों नहीं? वो इरादा नहीं था, अचानक हो गई। सुन, इन्हें वो जायदाद के बारे में सब बताया? इन्हें इससे क्या? इन्हें इससे क्या मेरा मतलब है? जल्दी क्या है, बता देंगे। नहीं नहीं, अभी बताओ क्या बात है। अभी से? शाबाश, आप इसको इसी तरह डांट कर रखा कीजिए भाभी। भाभी, लेकिन मैं आपको भाभी क्यों कहूँ? आप तो मुझसे छोटी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इन्हीं से पूछिए। नाम तुम ही बता दो ना। जी नहीं, इन्हीं से पूछिए। ओहो, बता दो ना, क्या छोटी छोटी बातों में बचपना करती हूँ। या तो तुम्हें बता दो ना। और क्या बताऊँ, उसमें बताने वाली बात ही क्या है? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे बीवी का नाम ही नहीं जानते। वाकई नहीं जानता है? अभी पूछ के आता हूँ। तो जरा नाम तो बताना। वो तो है ही, नाम बताओ। नाम रक्षा। भाई रक्षा है इनका नाम। जोड़ी मजेदार है। जोड़ी मजेदार है। मदन, मेरा ख्याल है कि हमें चाचा जी के वकील से मिल लेना चाहिए। अगर कोई दूसरी वसीयत लिखी गई होगी तो वकील को जरूर मालूम हो। तो मेरा ख्याल है फिर अभी चले। हाँ, मैंने एक नई वसीयत लिखी है। महाबलेश्वर से उन्होंने मुझे ये खत लिखा था कि हाँ, मैंने अपनी दूसरी और आखिरी वसीयत की कच्ची शक्ल बनाई है। आप अगर महाबलेश्वर आ सकें तो खैर। मिस्टर मदन गोपाल, इन दोनों खतों से साफ जाहिर है कि उन्होंने दूसरी वसीयत लिखी जरूर थी, लेकिन जब मैं महाबलेश्वर पहुंचा उस वक्त तक उनका इंतकाल हो चुका था। और दो आदमियों ने गवाही दी थी कि उनकी आंखों के सामने उन्होंने मरने से पहले अपनी दूसरी वसीयत जला डाली, इसलिए पहली वसीयत हर हालत में जायज समझी गई। लेकिन हो सकता है कि दोनों गवाह झूठे हों और दूसरी वसीयत कहीं छुपी पड़ी हो। सुनो, तुम वो मैनेजर की नौकरी कर ही लो, घर के सब राज मालूम हो जाएंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सिफारिश चिट्ठी दे देता हूँ। क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक है। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो तो मुझे तार दे देना, मैं फौरन चला आऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। Thank you.
बच्चे नहीं है तुम्हारे? जी अभी तक तो नहीं। कुलदीप। हाँ माँ। कुलदीप। लक्ष्मी माँ अच्छे लोग हैं। कमला जाए इन्हें घर दिखा दे फिर इनका कमरा। इधर आ। हाँ माँ मैं जानता हूं यही ना कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। वो सुनीता नाम की कौन लड़की है जिसे तो बहुत पसंद करता है? नीता। हाँ हाँ उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला क्यों नहीं लेता ताकि मैं भी उसे देख लूँ। सच में? वाह माँ वाह मैं आज उसे मुंबई टेलीफोन करता हूँ कि वो यहाँ आ जाए। ये कमरा क्यों बंद है? इसमें कोई नहीं जाता इसमें भूत रहता है। ये मेरा कमरा है और ये मेहमानों का। और वो नीचे आपका। मार डाला। फिर तुम कहां सो गए? मैं वहां। वाह और मैं? तुम यहां। दोनों एक ही कमरे में। हाँ आइडिया बीच में पर्दा डाल लेते। जी नहीं ऐसा आइडिया मंजूर नहीं। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तुम एक काम करो तुम गुस्ल खाने में बिस्तर लगा लो। मैं? शर्म नहीं आती? बड़े मर्द बनते हो औरत की इज्जत भी करना नहीं जानते। औरत ही जब चोर हो तो कुछ क्या करे। चोर भी हो तो भी औरत की इज्जत करना सीखो। यानी कि गुस्ल खाने में सोना सीखो। चल बेटा मदन ये भी सीख ले। वैसे किसी चोर के साथ एक ही कमरे में सोना था खतरनाक। क्या कहा? वैसे सोने से पहले आप गाना तो सुनाएंगे ही? जी नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं हम सुनाएंगे। ओ आजा पंछी अकेला है। ओ सोया नींदिया के पिल्ला है। ओ आजा पंछी अकेला है। ओ सोया नींदिया के पिल्ला है। ओ आजा पंछी अकेला है।
उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़ी रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़ी रहो चैन से, लागे रे घर मोहे लागे रे, ओ ये क्या धरने की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा पंछी अकेला है। ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, मर गए हम निकला दम मर गए हम, मौसम क्या अलबेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सुजा निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथी है, बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथी है, तन्हा है फिर भी दिल तन्हा है, ओ लगा सपनों का मेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। ये कमरा क्यों नहीं दिखाया? इसमें कोई नहीं जाता, इसमें भूत रहता है। मैं 870 से बोल रहा हूँ। बुक मी ए कॉल टू बॉम्बे ब्राइड होटल 88422 मिस नीता। जी जी हाँ, पर्सनल और अर्जेंट। जी प्यार हो गया जी, प्यार हो गया जी, प्यार हो गया, प्यार हो गया नीता से, प्यार हो गया, प्यार हो गया नीता से, प्यार हो गया।
कौन है? कौन है? भैया, उस कमरे में मत जाओ, इसमें भूत रहता है। Yes, yes. Nita! Hello, Kuldeep, darling. Janab ko achanak is natis ki yaad kaise aa gayi? Achha, toba. Kyun nahi meri jaan? Tum kaho to naukri chhod kar abhi aa jao tumhare paas. Lekin tum shaadi ke liye apni maa ko to raazi kar lo. हेलो बाबूजी, कहिए बंबई कैसे आना हुआ? पता चला है कि दिल्ली से रक्षा किसी ट्रक में छुपकर यहीं आई है बंबई की तरफ। अच्छा, इसके मुतालिक फिर बात करेंगे। मिस्टर लोबो, साहब के ठहरने का इंतजाम करो। राइट सर। ध्यान से सुनो, तुम शराब की गोलमाल के लिए मेरी गाड़ी नहीं बल्कि अपनी मेम साहबा नीता गाड़ी लेकर जाओगे, समझे? जाओ। पुलिस को इस बात की खबर हो जानी चाहिए और गाड़ी होटल के बाहर पकड़ी जाए। हाँ, जाओ। तुम डांस का बंदोबस्त करो। Thank you.
भरी खामोशियों हर आहट पे धड़कन होती हो क्या हो के जो दुनिया सोती हो और तारों भरी खामोशियों धड़कन होती हो फिर तो बड़ा मजा होगा दिल दिल मिला मिला होगा तन मन खिला खिला होगा दुश्मन जला जला होगा ओ फिर तो बड़ा मजा होगा दिल दिल मिला मिला होगा तन मन खिला खिला होगा दुश्मन जला जला वो गाड़ी किसकी है मेरे साथ आइए मैं सब कुछ बताता हूँ मतलब है सुजी इसका एक ही मतलब है नीता और वो ये कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी बस इतनी सी बात थी इसके लिए इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है मेरा यही स्टाइल है नीता सोचने का वक्त नहीं दोगे पांच मिनट देखो नीता आखिर क्यों तुम जानबूझकर एक गधे से शादी करना चाहती हो क्योंकि ये गधा कोई मामूली गधा नहीं इसके सर पर सोने के सींग हैं तो क्यों ना सींग उखाड़ लिए जाएं और गधे को लात मार के बाहर निकाल दिया जाए वो कैसे मेरे पास एक प्लान है लेकिन जरा मैं पुलिस से निपट लूं हाँ देखो तुम्हारे ड्राइवर बेचारे को जरा जेल यात्रा करनी पड़ेगी डोंट माइंड पहले सुना कि कुलदीप को जायदाद मिलेगी फिर सुना कि कुलदीप को जायदाद नहीं मिलेगी और अब ये सुना है कि कुलदीप को जायदाद मिल गई है क्योंकि सेठ मनोहर लाल की अचानक मौत हो गई है अचानक अब समझी सोने के सींग कैसे उखाड़े जा सकते हैं कुछ कुछ अच्छा अब मुझे जाने दो कल रात महाबलेश्वर फोन करना है सुनो नीता इस बात का ध्यान रहे कि अगर मैं वहां आया तो उन सब लोगों के सामने मैं तुम्हारा भाई हूँ चचेरा भाई ये सब जमीन है एक बंगला वो है और दो उस पहाड़ी के पीछे वो होटल है जिसका मैं मैनेजर हूँ तुम कब से हो यहाँ एक महीने कोई पुराना नौकर है जी नहीं सब नए हैं पुराने नौकर एक एक करके सब निकाल दिए एक भी पुराना नौकर नहीं है जी हाँ एक माली है कालीचरण लेकिन वो तो पागल है वो देखिए उधर उसकी झोंपड़ी है अच्छा तुम जाओ बाकी नौकरों को मेरे पास भिजवा देना मैं सबसे मिलना चाहता हूँ कालीचरण Thank you.
दायित्व में सस्ती है। वो कुलदीप साहब का बंगला है ना? जी हाँ, वो बंगला भी उनका है, ये सड़क भी उनकी है और मैं भी उनका नौकर हूँ। ओह नौकर, गुड, काम आओगे। पापा ने क्या कहा? कभी ने कहा, चिड़िया चिड़िया मुझे अपने बच्चे खाने को दे। चिड़िया बेचारी डर गई। जरा ये बटन लगा दो। नाम क्या है? रक्षा। रक्षा। ठीक से लगाओ बटन जरा। दिल छेद दिया। गधा कहीं का। हेलो नीता। हेलो कुलदीप। भूख लगी है कि बस सारा हजम कर जाऊंगा। नमक जरा सा ज्यादा हो गया था। जरा सा सीख जाऊंगी। कॉफी और लीजिएगा। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? जी बॉम्बे कॉलेज में। नाचती गाती? जी जी हाँ कॉलेज स्टेज पर। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हेलो यस नीता तुम्हारा ट्रंक कौन? बॉम्बे से। हेलो ये कहो नीता मेरे वहाँ आने से कुछ बात बनती है या नहीं है? हाँ हाँ यहाँ आजकल मौसम बहुत अच्छा है। वसीयत का कुछ पता चला?
लेकिन पता चला है कि चाचा जी का एक पुराना नौका नीचे गांव में रहता है, सुबह होते उसे मिलने जाऊंगा। नमक का मजा आ गया। अच्छा सुनो, आज तुम गुस्सा खाने में सो। पहले मुंह धो। अभी धो के आता हूं। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो। अच्छा सुबह होते ही मुझे जगा देना। अच्छा जगा दूंगी। चाय पीजो। थोड़ी दूर तक छोड़ा, Thank you.
साल की नौकरी में मैंने मालिक को कभी इतना परेशान होते नहीं देखा। बुढ़िया हर रात कोई ना कोई झगड़ा ले बैठती थी। दिल की बीमारी थी मालिक की, दौरे बढ़ने लगते थे। 27 फरवरी की रात, मालिक की आखिरी रात, जबकि चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। रात के कोई 11 बजे होंगे कि अचानक मालिक के कमरे से कुछ इस तरह की आवाज सुनाई दी। जिसे चाहूंगा नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होगा। आपका पैसा एक बार कुलदीप के नाम हो चुका है और अब उसी के नाम रहेगा। खामोश, तेरे टुकड़ों पर पलती हो और फिर मुझे पे और राती। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? मैं ना होती तो तुम कब के मर चुके होते। यही बात है तो निकल जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ। इसी बात निकल जाओ, मैं कहता हूँ निकल जाओ, निकल जाओ। देखा, मैंने कहा था ना उठिए मत, अब लेट जाइए। बिस्तर झाड़ दिया कुलदीप, अब इधर से भी झाड़ दे। अच्छा, अब दूध ले आए इनके लिए। पिरुचन, एक ग्लास दूध ले आओ मालिक के लिए। जरा जल्दी गरम गरम। नहीं, थोड़ा तो पीना चाहिए। जाओ, तुम जाओ। सुबह जब डॉक्टर आया तो बिस्तर पर मालिक की लाश पड़ी थी। न जाने रात को किस वक्त उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। अगली रात मालिक के कमरे से आवाज सुनकर मैं ऊपर चला गया। देखा तो कुलदीप कमरा खोल रहा है, न जाने क्या ढूंढता था। बस दूसरे दिन सुबह उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया और फिर एक एक करके सब नौकरों को जवाब दे दिया। और वो मालिक कालीचरण? कालीचरण बेचारा पहले ही पागल सा था, मालिक के मरने के बाद और भी सुधूत खो बैठा। और फिर कुलदीप ने उस पर एक दिन चोरी का इल्जाम लगाकर इतना मारा कि बेचारा बिल्कुल पागल हो गया। कहते थे कि कुछ जरूरी कागज चोरी करके ले गया। कागज? मरने से पहले मालिक कालीचरण से मिले थे? हाँ, मरने से एक दिन पहले मालिक ने कालीचरण को अपने कमरे में बुलाया था। करीब 5 मिनट तक उससे बातें करते रहे। खून कर बैठोगे किसी भी? क्यों? जब जब तुम्हारी आंखों में देखता हूं डूब जाता। एक बार फिर से तो देखो मेरी आंखों में। सेठ मनोहर लाल की मौत किस बीमारी से हुई थी? वही बीमारी जो मुझे है, दिल की बीमारी। नीता, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। दे दो। बाद में। मैं
कांटा चुभा? पाँव में नहीं, जाने जिगर है है, देखो तू इधर है है, जाने जिगर है है, देखो तू इधर है है, नजरें तो लाखों हैं मगर तेरी नजर है है, जाने जिगर है है, देखो तू इधर है है, नजरें तो लाखों हैं मगर तेरी नजर है है, जाने जिगर है है। अच्छा गाती है, मिला लेती है सुर, नाचती भी अच्छा है। हाँ, चला लेती है हाथ पांव। ये तुम्हारे सिर में क्या हुआ? कौवे ने चोंच मारी। ये कुलदीप है ना, ये मुझ पे मरता है। गधा कहीं का। क्यों, इसमें क्या बुराई है? तो फिर एक काम करो, उससे शादी कर लो। ख्याल बुरा नहीं, लेकिन फिर दूसरे लड़के के बारे में क्या करूंगी? अच्छा, दूसरा लड़का भी है? तो फिर ऐसे करो, दोनों से शादी कर लो। अच्छा अच्छा। अरे बाबा सुन सुन सुन, किसी से कहना मत, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। सुन, बच्चा खत्म हो गया, मर गया है, दरवाजा खोलो, उन लोगों को मालूम हो जाएगा कि हम मियां बीवी नहीं है। रक्षा, thank you.
ये कागजों की अलमारी की चाबी दे दीजिए, कुछ कागजात चेक करने। अरे गुसल खाने के तब में सो रहा था, मारते क्या आ रहे? शायद लड़ाई हो गई होगी दोनों। जी हाँ, शायद हम दोनों तलाक ले लें। इस वक्त नहीं रक्षा, रात को मुझसे बात करना। सबके आगे मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? ओहो, अभी तंग मत करो, ये मेरे काम का वक्त है। और तलाक का नाम किसी और के आगे लेना, मैं तुम्हारा दिया नहीं खाती। मैं भी उतनी मेहनत करती हूँ जितने के तुम। अच्छा चुप रहो। और ये मत समझना कि छोड़ जाओगे तो भूखी मर जाऊंगी। मैं तुम जैसे कई आदमियों के खिलाफ ला सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जाओ अपने कमरे में। देखो बेटा, इस तरह डरना नहीं चाहिए। जाओ उसे मना लो। अरे मुझे मालूम था तुम कुछ करके रहोगी। लेकिन नीता, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है। ये मेरे चचेरे भाई है। चचेरे भाई। सुरजीत साहब, आप बंबई में क्या करते हैं? ये मेरा वहाँ बिजनेस है और ये कौन लड़की? हमारे मैनेजर की बीवी। मैनेजर की बीवी? क्यों, आप जानते हैं इसे? जी नहीं। एक लखपति बाप की इकलौती बेटी, शादी से भाग कर अपने घर से सैकड़ों मील दूर मामूली सी नौकरी करे, और वो भी एक मामूली से आदमी की बीवी बनकर। मदन मामूली आदमी है, खूबसूरत आदमी। ये गधा कहां से आन टपका, जल्दी डालो इसे। कम इन। ओहो, बड़ी अच्छी लग रही हो। पहने दो ना। कुलदीप। कुलदीप साहब, ये बातें तो शादी के बाद होनी चाहिए। ये मैं नहीं ले सकती, भाई साहब क्या कहेंगे? नीता,
से जा और देख कर आ, कहीं वो आज भी डब्बे तो नहीं सोया। नीता, हम दोनों एक ही थैली के चट्टे बटते हैं, क्योंकि हमारी गिनती उन लोगों में है जिन्हें दुनिया बुरा कहती है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी शादी मुझ जैसे आदमी के साथ होनी चाहिए। मैं तुमसे शादी जरूर कर लेती सुरजीत, अगर तुम्हारी शक्ल मधु जैसी हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसी पागलों जैसी बातें करते हो नीता। देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारी शादी कुलदीप जैसे अच्छे आदमी के साथ कराऊंगा। मदन को बुला रहा। मदन बेटे, मदन मदन, जब तुम्हें वसीयत मिल जाएगी तो मुझे क्या दोगे? तुम्हें रक्षा, जो तुम मांगो। तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते? मैं क्या मांगता? मैं मांगता कमाल है, मांगना बहुत मुश्किल है। क्यों? शादी कब करोगे? शादी ना बाबा, शादी अपने जैसों के लिए नहीं है। तुम पूछो क्यों, मैं हूँ एक आजाद सरदार। और शादी क्या है? पिंजरा। आजादी और कैद का क्या मेल? अच्छा जाओ, सो जाओ। अच्छा बताओ, ये नया मेहमान कौन आया है? सुरजीत, तुम जानती हो इसे? जानती हूँ। लो, ये भी अच्छी रही। कल मैंने कहा था ना, एक दूसरा लड़का भी है। तुम्हारी राय में मेरे लिए कौन ज्यादा अच्छा रहेगा, कुलदीप या सुरजीत? ये भी कोई मजाक है? जी नहीं, मजाक तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। गुड नाइट। बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। मदन डार्लिंग, मदन डार्लिंग, मदन डार्लिंग, देखो कमला ही है। आया मेरी जान। आया, क्या बात है डार्लिंग? भैया ने बुलाया है। अच्छा आता हूँ। सुनो, ये खत इस पते पे पहुंचाना है इस वक्त। हाँ, रास्ता लंबा है, ट्रक ले जाओ। जाओ। Thank you.
मैं हूँ कुलदीप रक्षा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ रक्षा। देखो देखो रक्षा, पहन दो रक्षा, पहन दो, पहन दो। निकल जाओ यहाँ से। रक्षा, रक्षा, क्यों ये? रक्षा, छोड़ दो। रक्षा। शादी से ऐसी गायब हो गई जैसे मेरी जेब से पैसे गायब रहते हैं। आपको मालूम है आपके पिताजी ने आपका पता बताने वाले के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा। शायद आप ये भी नहीं जानती कि आपके पिताजी बंबई में मेरे होटल में ठहरे। तो मैं अपने कमरे में इंतजार करूंगा। होगा मेरा कोई प्रेमी, तुम्हें क्या? मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उम्मीद है इससे आपकी जुबान बंद रहेगी। अब तुम जाओ। आपको मुझसे कुछ काम होगा। कमला तू जा सो जा।
मैं बैठ सकता हूँ? बैठने की जरूरत नहीं। सुरजीत साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिएगा। पहला सवाल, आप नीता के भाई हैं? जी नहीं। दूसरा सवाल, पैसे का लालच आपको इस घर में लाया है? जी हाँ। तीसरा सवाल, आप रक्षा को पहले से जानते हैं? जी। मदन को? नहीं। और आप क्या क्या जानते हैं? मैं ये जानता हूँ रक्षा मदन की बीवी नहीं, मैं ये जानता हूँ रक्षा दिल्ली के एक रईस की बेटी है, मैं ये जानता हूँ मदन किसी खास मकसद से यहाँ आया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको मदन से डर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं मदन को कैद करवा सकता हूँ। दो चीजों का भरोसा कभी मत करो, औरत का और मिट्टी का, दोनों धोखा देती है। दुनिया को मिट्टी में मिला दो और मिट्टी को जा। रक्षा का पता चल गया है। सच? कहाँ है, कैसी है? अच्छा 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 अच्छा, पूछ सकती हूँ आज इतना पारा क्यों चढ़ा हुआ? कम से कम जवाब तो दे सकती हूँ मेरी बात का। एक तो तुम पे एहसान करूं, दूसरी अपनी इस तरह बेइज्जती करवाऊं, ये बर्ताव मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके शानों का बहुत बहुत। आप दोनों को मां ने बुलाया है। एक शरीफ लड़की को घर में रखना और उससे शादी न करना, जानते हो इसकी क्या सजा है? किसी का खून करना और किसी और की जायदाद पर कब्जा कर लेना, आप जानती हैं इसकी क्या सजा है? मदन, मनोहर लाल का भतीजा। इस जायदाद का असली मालिक, जिसके नाम पर दूसरी वसीयत लिखी गई थी। झूठे दगाबाज, भैरूपी है। मां, मां, क्या बकवास है? दूसरा खून हो गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। कैसा खून? भूल गए हो, 27 फरवरी रात के 11 बजे जब मनोहर लाल की जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी थी, तुम और तुम्हारी मां
तुम दोनों ने उस बेचारे बूढ़े को सता सता के उसके दिल का दौरा बढ़ा दिया। गुस्से में वो पलंग से उठा था और उसने चिल्ला चिल्ला के कहा था, निकल जाओ मेरे घर से। भूल गए उस रात को? तब तुमने क्या किया था? तुमने उस बीमार की छाती तक घूंसे मारने शुरू कर दिए थे। नौकरों ने समझा बीवी जी साहब का बिस्तर झाड़ रही हैं, हालांकि हकीकत यह थी कि बुड्ढा दम तोड़ रहा था। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सच है। उसके बाद इस बुढ़िया ने उस लाश को बिस्तर में लपेट दिया और तुम्हें भेज दिया नौकर को बुलवाने। अच्छा झोंक था, नौकर के सामने मुर्दे को दूध पिलाया जा रहा था और उसकी टांगे दबाई जा रही थी ताकि वो समझे मालिक जिंदा है। सब लोग धोखे में आ गए। अगर 11 बजे दूध पिलाया गया था तो मौत 11 बजे के बाद होनी चाहिए, लेकिन दूध पीने से पहले ही मनोहर लाल का खून हो चुका था। तुम्हारे हाथ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। मैंने तो सिर्फ उसको धक्का दिया था, मुझे क्या पता था कि वो मर जाए। ये रहा वो बदमाश। हाँ, गिरफ्तार कर लो इसे। आप पर इल्जाम लगाया गया है कि आप इनकी बेटी और इनकी होने वाली बीवी को भगा कर ले आए। इनकी कॉल लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको अपनी सफाई में जो कुछ कहना है थाने चल के कहिएगा। मुझे अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना है। चलिए। मदन, धोखा देती, तुम आज ही मेरे साथ वापस लौट चलोगी। मैं नहीं जाऊंगी जब तक हम मदन को जेल से नहीं छुड़वाएंगे। ये नहीं होगा। तो फिर आप अकेले लौट जाइए। तुम कहां जा रही हो? मदन से मिलने। अच्छा, राधे श्याम को तार देना मत भूलना और उस पगले वाली कालीचरण को जरूर मिलने जाना। हो सकता है उसके पागलपन में वसीयत का खुलास छुपा हो। सो जाओ।
काली चरण मतन आएगा, उसी को देना और किसी को मत देना। अच्छा मालिक, काली चरण इसे संभाल के रखेगा, दबा के रखेगा। बेटी धोखा दे गई। बहुत परेशान हूं, कल सुबह से गायब है। देखिए मैं पता लगाता हूं। मुझे मदन पे शक, आपने उसे जेल भिजवाया और उसके आदमियों ने आपकी लड़की को गायब कर दिया। बस याद रख, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो तुझे उम्र भर के लिए कैद में भिजवा दूंगा। आप मेरी भी तो सुनिए। चुप रह बदमाश। चलिए आपको बुलाया। बुलाया है? जी। हाँ शुक्रिया। अबे पाजी गधे मालूम है कंबल। तार मिला? अबे हमें उल्लू बना गया। तार मिला कि नहीं? अबे तार मिला तभी तो आया हूँ, और तेरी जमानत दे दी है। जी हाँ। ये इंस्पेक्टर साहब अपने पुराने वाकिफ निकले। अच्छा हाँ। लेकिन तुम्हारी बात तो मानते नहीं। मैंने इन्हें सब हालात बता दिए हैं, अब तुम्हारी बातों में यकीन आने लगा। हाँ लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग सबूत के बगैर एक कदम नहीं उठा सकते। और सुनो, इन लोगों ने रक्षा को गायब कर दिया, बाहर चल के बात करें। अच्छा थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। सर आई जरूरत पड़ी तो फिर हाजिर होंगे। शौक से। थैंक यू इंस्पेक्टर। अच्छा थैंक यू। वसीयत या तो भागते भागते उसने किसी झाड़ी के पीछे फेंक दी है, या मेरी नजरें बचाकर कहीं छुपा दी है।
कुछ बताते नहीं? बताएगी कैसे नहीं, कल से एक बूंद पानी उसकी हलक से नहीं उतरा है। नीटा, आज रात को तुम मेरे साथ चलना, मेरे पास ये नींद की गोलियां हैं, ये उसे खिला देंगे, नींद आएगी लेकिन सोने नहीं देगी। भूख, प्यास और नींद, आखिर बताएगी कैसे नहीं? ये चीज निशान छोड़ती जाए तो अच्छा है। जल्दी कर, जल्दी बांध तो दे। मदन, ये लोग आ रहे हैं। बाहर निकल, छुप जा। मैं कहता हूँ बाहर निकला ना, छुप जा। गाड़ी तेरे ऊपर चली जाएगी, छुप जा। अरे गाड़ी पे जाना। जल्दी चलिए। कहाँ? ये सब मैं रास्ते में बताऊंगा। चलिए प्लीज। हाँ हाँ, अब ये बेहोश पड़ी रहेगी। चलो नीता, इस कमरे में कोई आता भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों नीता, देख लिया तुमने मेरा मैनेजमेंट, किस तरह सब काम ठीक होते चले जा रहे हैं, किस्मत के फाटक अपने आप खुलते जा रहे हैं। 11 लाख, 11 लाख आज मेरी मुट्ठी में है नीता, इसे एक बार चूम दो जस्ट फॉर लक सेक। इसमें मेरा भी हिस्सा है ना? ओ कैसी बातें कर रही हो, जो मेरा है वो तुम्हारा है। सोच लीजिए, 11 में से 9 आपका और 2 मेरा, वरना मैं मदन से सौदा कर लूंगा। फिर मां क्या ख्याल है? आप कैसे जानते हैं कि लड़की इस घर में है? हमने सुरजीत को सिलाते हुए देखा है, इसी गाड़ी में।
लेकिन वारंट के बगैर हम घर की तलाशी ले कर सकते हैं। मैं जाता हूँ। ऊपर आवाज कैसी है? लड़ाई हो रही बहुत जोरों से। अब तो प्यानो बज रहा है। कुलदीप, 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 पुलिस आई है, पुलिस। कमला, कमला तो अंदर जा, कमला। एक बार कमला, कुलदीप नहीं, नहीं। क्या मेरे भैया को? क्या मेरे भैया को? कुलदीप नहीं, नहीं मेरे भैया को। कमला, कमला, क्या हुआ? माँ भैया को बता लो, माँ भैया को बता लो, माँ, 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 सुनो सुनो जाने जा समझोगी तो की जुबान।
जंजीरों का है समा तेरे लिए, सुनो सुनो जाने जा समझो गीतों की जुबान, जंजीरों का है समा तेरे लिए, आए नजर किए जा तुम नजर किए, नजर किए जा तुम नजर किए, ऐसा ना हो सब कुछ खोना पड़े ना भी कर सकता हूं। अगर रक्षा की सलामती चाहते हो तो पुलिस को फौरन यहां से रवाना कर दो। मदन, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। अगर 5 मिनट में मेरे भागने का रास्ता साफ ना कर दिया गया तो मेरी गोली होगी और रक्षा का सर। याद रखो, 5 मिनट, 5 मिनट के बाद तुम रक्षा को जिंदा ना पाओगे। मदन, 15 सेकंड हो गए। मेरे लायक कोई सिंह thank you.
Thank you.
राधे, पांच मिनट। इंस्पेक्टर, और ये रही वसीयत। शाबाश, चले चले चले। लेते धूप छाव हम, फिरते गाँव गाँव हम। लेते धूप छाव हम, फिरते गाँव गाँव हम। सर पे रख के पाव हम। ग्यारह होली है, नौ तो ग्यारह होली।